नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। इस बार का थोड़ा लेट हो गया, उसका कारण यह था कि अशोक साहब की भी तबीयत नासाज थी और ये सारी शायद मेरे ख्याल में जो फ्रेटर्निटी है उसमें आगे पीछे सबका ये बुखार और एक जो फ्लू चला हुआ है सबको हो रहा है। खैर अशोक भाई, सबसे पहली बात ये कि बीजेपी अभी तक अपने 3 चीफ मिनिस्टर नहीं ढूंढ पाई है और यही काम अगर कोई दूसरी पार्टी कर रही होती तो बीजेपी का पूरा मीडिया और जो बाकी बीजेपी का कंट्रोल मीडिया वो इसमें आसमान सिर पर उठा लिया होता। तो ये 2024 के इलेक्शन की वजह से ये लेट हो रहा है क्योंकि मोदी जी को जिसको करना है वो कर चुके होंगे अब तक डिसाइड, या लोगों को समझाने मनाने की कोशिश हो रही है? कहां पे मामला अटका है, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? देखिए आनंद जी, मुझे याद है 5 साल सिर्फ पीछे चलिए आप, जब तीनों राज्यों में कांग्रेस ने स्वीप किया था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही थी और छत्तीसगढ़ में स्वीप करने के बाद करीब करीब 20-25 दिन तक सरकार नहीं बनी थी तो गोदी मीडिया टूट पड़ा था कि क्लीन स्वीप है, ये है, असमंजस है, पप्पू है, बहुत सारी बात। आज तीनों राज्यों में कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनी है बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कभी सोचा नहीं था लेकिन सरकार आ गई। क्यों आ गई, कैसी आ गई, इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाए? आदिवासी को बनाए, ओबीसी को बनाए, सवर्ण को बनाए, उसके पहले ठाकुर मुख्यमंत्री दिया उन्होंने, हाँ, महिला को बनाए, पुरुष को बनाए, ये तो कभी भी तय कर सकते हैं, वहां कोई ज्यादा मारामारी भी नहीं। लेकिन साथ में 2 राज्य और हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों राज्यों में पेच फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में भी। राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ कई जगह कॉम्प्रोमाइज किया, खासकर टिकट बंटवारे में, भले ही उनके 3-4 सिपा सलार उनको टिकट नहीं दिया लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत सारे लोगों को वसुंधरा के टिकट मिल गए, वो चुनाव जीत के आ गए। जो उनके खास थे, जिनको टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट लड़े पार्टी छोड़ के, वो भी जीत के आ गए। करीब करीब जो मेरी सूचना है 40-50 का आंकड़ा है जो वसुंधरा जी के टच में, सारा इंडिपेंडेंट और बाकी लोग पकड़ के। वसुंधरा राजे भी रेस में है। वसुंधरा जी के पास जाके मिलने वाले विधायकों ने कहीं ना कहीं चिंता की लकीर दिल्ली में खड़ी कर दी। दिल्ली चाहती थी कोई रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हो जैसा बाकी राज्यों में होता है। वहां बिरला जी का नाम भी था, ओम बिरला जी का, लेकिन एक संवैधानिक संकट है कि और बिरला जी इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे, क्योंकि स्पीकर इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को ही दे सकता है और डिप्टी स्पीकर इस्तीफा स्पीकर को दे सकता है, वो किसी मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति को नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने उनको शपथ दी नहीं होती, वो सदन को इस्तीफा दे नहीं सकता क्योंकि सदन ऐसा इस्तीफा स्वीकारता नहीं। तो कुल मिलाकर वो संवैधानिक पेच फंसेगा क्योंकि उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर तो इन्होंने रखा ही नहीं, दूरदृष्टि होती तो शायद रख देते। तो एक मामला वहां फंसा। फिर वैष्णव साहब जो है उनका भी नाम चल रहा है, शेखावत जी भी चल रहा है नाम, बाबा एक नाथ है, नाथ सांप्रदायिक बालकनाथ, उनका भी नाम है, फिर माथुर साहब का भी नाम है, ऐसे कई लोग हैं जो लाइन में लगे हैं लेकिन असली दावेदारी महारानी की है। महारानी उस कद की है कि महारानी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, महारानी मंत्री नहीं बनेगी मंत्रिमंडल में, और खुली महारानी ज्यादा तकलीफदायक होगी 2024 के चुनाव में। महारानी की नाराजगी भी थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो मरे हुए हालत में जो 5-6 इंडिपेंडेंट आ गए, ये कम से कम 3-4 लोकसभा बिगाड़ने की स्थिति में है। विद्रोही तो पहले ही हो चुके हैं, चुनाव तो पहले ही जीत चुके हैं, ऐसे में 4-5 सीट भी इधर उधर हो गई तो बीजेपी के लिए किसी भी हालत में पिछले बार का टैली मेंटेन करना ये निहायत जरूरी है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो गड्ढा बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में होगा उसकी भरपाई कहां से करें, यही चिंता का सवाल है।
उस भरपाई में और तड़का नहीं लगाने देना चाहते। तेलंगाना में जो तीन के तीन सांसद थे, तीनों को उन्होंने चुनाव में उतारा और तीनों चुनाव हार गए। तो फिर सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर बड़ा दाव है। तो स्थिति बिल्कुल विपरीत होती जा रही है, इसलिए फूक फूक के कदम रख रहे हैं। क्या किसी महिला को वहां बनाएंगे? यदि उनको महिलाओं के बनाएंगे या आदिवासी बनाएंगे या सवर्ण बनाएंगे, तो उस हिसाब से फिर छत्तीसगढ़ में तय होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वेटिंग है। यदि यहाँ महिला को बनाए तो फिर छत्तीसगढ़ में नॉन महिला मुझे पुरुष देंगे, यदि यहाँ किसी ओबीसी को बनाया तो वहां आदिवासी देंगे, या किसी आदिवासी सवर्णों को बनाया तो फिर उधर दलित देंगे। ये सारी तमाम बैलेंसिंग के चक्कर में छत्तीसगढ़ पड़ा हुआ है साइड को। लेकिन राजस्थान का पेच पहले सुधारना होगा। महारानी को खुश रखते हुए ये कैसा करेंगे? क्या उनके बेटे को उपमुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या बड़ा पोर्टफोलियो देंगे? क्या ये चुनाव तक महारानी को बना के फिर चुनाव के बाद पलटाएंगे? कई ये है। अब पर्यवेक्षकों के आज नाम तय हुए हैं, अब ये जाएंगे और ये जाके जब बात करेंगे तब उसके बाद क्या निचोड़ आता है, तो मुझे लगता है कम से कम रविवार सोमवार तक इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज बार बार बोल रहे हैं कि मैं दावेदार नहीं हूं, लेकिन जिस हिसाब से वो प्रदेश में घूम रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनको डंप करने के बाद जिस रैली में जो एड्रेस करना शुरू कर दिया था कि मामा ने अच्छा काम किया या नहीं किया, आपको फिर से मामा चाहिए नहीं चाहिए, लोगों के मुंह से वो अपना मुख्यमंत्री का दावेदारी एंडोर्स करवा रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के वजह से हम जीते हैं, मोदी जी जाने, मैं तो बिल्कुल दावेदार नहीं। लेकिन मामा को नाराज करके क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आप इम्पैक्ट दे पाएंगे? अहम सवाल ये है। वहां कैलाश विजयवर्गीय, वहां तुम्हारा नरेंद्र सिंह तोमर, वहां प्रहलाद पटेल और आधा दर्जन जो मंत्री थे पिछले, वो सभी कोट सिलवा के तैयार बैठे कि किसकी लॉटरी लगेगी। क्या ओबीसी की जगह ओबीसी आएगा तो फिर प्रहलाद पटेल वहां होंगे, और प्रहलाद पटेल वहां हो गए, यहाँ कोई पुरुष हो गया राजस्थान में, तो फिर एक आदिवासी महिला वहां से आ सकती है, या वसुंधरा जी को किया जो सवर्ण है, जो जाट है, जाट और ओबीसी में माने जाते हैं, लेकिन सामंती है तो महारानी तो अपर कास्ट माने उनको। उसके बाद फिर एक अद कोई पुरुष ट्राइबल हो सकता है या पुरुष ओबीसी हो सकता है छत्तीसगढ़ से, तो फिर क्या यहाँ कोई सवर्ण देंगे, तोमर साहब का लॉटरी लग सकती है। ऐसे कई कयासों में फंसी हुई है। सवाल केंद्रीय नेतृत्व इसलिए नहीं लेट हो रहा है कि विद्रोह है, इसलिए लेट हो रहा है कि 2024 की उसको चिंता है। 2024 में जो बाकी जगह लॉस होने जा रहा है उसकी भरपाई कहाँ से होगी, ये डर है। दक्षिण भारत में तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, वहां पैर रखने को जगह नहीं है। वो कांग्रेस जैसा नहीं है, दक्षिण ने साथ दिया तो उत्तर छोड़ गया, उत्तर ने साथ दिया तो दक्षिण छोड़ गया, ऐसा नहीं हो रहा है उनके साथ। और कांग्रेस कर्नाटक के बाद तेलंगाना में आना या कहीं ना कहीं दक्षिण की तरफ अपना और साम्राज्य पक्का करने जा रहा है। तेलंगाना उनके पास है, कर्नाटक दो राज्य उनके पास है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टी में ये पूरा ब्लॉक जो है केरल के चुनाव का वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा, केरल में के लेफ्ट को आती है, कांग्रेस को आती है। तमिलनाडु में डीएमके इंडिया के गठबंधन है, लेकिन एआईएडीएमके एनडीए का गठबंधन नहीं है, इसलिए पूरा दक्षिण भारत कहीं ना कहीं स्टॉपेज है। इसलिए इन तीन राज्यों के मुख्यमंत्री बनाते समय कास्ट फैक्टर, विनिबिलिटी, जो सरकार को चुनाव में जितवा देगा, पैसा भी खर्चा करेगा और जो नाराज नेताओं को साधेगा। अब बताओ राजस्थान में कौन साध सकता है महारानी जी को, या मध्य प्रदेश में कौन साध सकता है शिवराज को? तो ये इसीलिए ये पेचीदा मामला होता जा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि विजय तो पा ली लेकिन ये फिर गले का साफ हो गया, क्योंकि इन तीन राज्यों में बीजेपी सत्ता में रहे या नहीं रहे, लोकसभा के सारे सदस्य तो इन्हीं के साथ थे,
राजस्थान था, मध्य प्रदेश करीब करीब पूरा था, एक सीट थोड़ी तो, तेलंगाना अपना आंध्र छत्तीसगढ़ भी करीब करीब पूरा ही था, एक दो सीट थोड़ी तो, टोटल 4 सीटें इनके पास नहीं है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान। सत्ता में नहीं थे तब ये बात थी, अब सत्ता में आने से 25 की जगह 30 सीट तो होगी नहीं राजस्थान की, तो आपकी टैली उतनी ही है। लोकसभा में आपको फायदा होना नहीं है, आपको मुख्यमंत्री सही तय करके नुकसान रोकना है, ये एक जद्दोजहद की बात हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वहां कष्ट है और वहां संघर्ष हो रहा है। जी अशोक भाई, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, आपने एक गड्ढे की बात कही थी जो वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र करने जा रहे हैं, उस गड्ढे में 4 फावड़ा झारखंड और कर्नाटक भी बड़ा, कर्नाटक तो डोजर लगा के उस गड्ढे को बड़ा करेगा, और झारखंड भी जहाँ पे 14 में 11 MP आए थे वो भी इस बार महागठबंधन वहां बिल्कुल ठीक से इनको मतलब दो दो हाथ करने को तैयार है। मैं एक चीज और अशोक भाई समझना चाह रहा था, ये मामला इसलिए फंस गया है कि वसुंधरा राजे को अगर करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अब वहां वसुंधरा राजे होती है तो यहाँ रेणुका कुमारी का कट जाता है, या अब वो एक एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो आपने कहा, मैं अभी भी एक चीज मानता हूँ कि हमारे जो मामा जी हैं वो वैसे तो बहुत लगते हैं सीधे हैं, एक महाराष्ट्र में बहुत बोला जाता है कि येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, वो मुझे लगता है जब उनका समय आएगा तो वो अपने रंग दिखा देंगे, अभी वो क्यों कुछ बोले, वह मैं तो सेवक हूँ, मुझे जो कहेगी पार्टी वो मैं करूंगा, लेकिन अगर मौका आएगा तो शिवराज सिंह चौहान इन सारे लोगों का इस समय जो इतने बीजेपी के मुख्यमंत्री उसमें सबसे ज्यादा तेज इफेक्टिव कनेक्टेड शिवराज सिंह चौहान है, जिनके पास वोट भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए राजमाता सिंधिया, खुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, सखलेचा जोशी, ऐसे लोगों के नीचे ये वटवृक्ष बना है छोटा सा पौधा, राजनीति जानता है, धीरे से वार करना जानता है, मीठा बोल के गला काटना जानता है, इसीलिए इतने साल तक निर्विवाद रूप से वो मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे केंद्र की मजबूरी हो या बीजेपी की मजबूरी हो या संघ की मजबूरी हो, मामा सबकी जरूरी था। अब क्या मामा मजबूरी बनते हैं या मामा 2024 के लोकसभा में धीरे से झटका, धीरे से दूर का झटका लगाएंगे, ये तो समय बताएगा, वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा फैक्टर है। अशोक भाई, आज एक संसद में भी एक बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया, आज महुआ मित्रा की सदस्यता चली गई, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ा संदेश दिया, उन्होंने साफ कर दिया कि अडानी उनके लिए बिल्कुल शायद सबसे ऊपर है, अगर अडानी के पे कोई बोलेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और ये बिल्कुल स्पष्ट किया। हालांकि दो बात मैं इसलिए कर दूं कि दर्शकों को भी पता लग जाए, मनीष तिवारी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि आप व्हिप नहीं जारी कर सकते हैं इस वाले उसमें, जब क्योंकि महुआ मित्रा का जब वोटिंग की बात थी तो व्हिप जारी हुआ था, उन्होंने कहा था ये वी आर हियर एज अ जज एंड जूरी, तो जज को व्हिप आप जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप व्हिप जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पार्टी उसको वो कर रही है, यहाँ पे हमें अपना, खैर एक तो महुआ मित्रा पे आपसे जरा समझ लें, क्योंकि महुआ मित्रा अब संसद तो 4-5-10 दिन की और रह गई है और एक वोट ऑन अकाउंट बहुत छोटी सी सेशन होगा बजट, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि महुआ मित्रा संसद के बाहर अब इनके लिए ज्यादा मुसीबत बन जाएगी, आपको लगता है ऐसा? यकीनन, देखिए महुआ मित्रा अब ये महिला और बंगाली अस्मिता का सिंबल बन चुकी, जिस हिसाब ने ममता ने पूरा वजन उसके पीछे खड़ा कर दिया, पूरी ताकत उसके साथ खड़ी कर दी, अब ये उसको बंगाल विरुद्ध गुजरात करने का प्रयास करेंगे, बंगाली अस्मिता पे, महिलाओं पे चरित्र हनन की बात करेंगे, हर आदमी का व्यक्तिगत चरित्र कैसा भी हो, व्यक्तिगत रूप से उसकी निजी जिंदगी कैसी भी, लेकिन जिस हिसाब से महुआ मित्रा को कॉर्नर किया गया, जिस हिसाब से उसके खिलाफ अपशब्द कहे गए, उसके पहले भी शूर्पणखा तक कहा, उसको क्या क्या नहीं कहा गया, द्रौपदी कहा गया उसको, मतलब ट्विटर युद्ध चला दुबे जी के और उनके बीच में, उन्होंने दुबे जी की डिग्रियां निकाली, उन्होंने उनके खिलाफ अपशब्द कहे, ये कॉर्पोरेट वॉर है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद
ये बात तो समझ में आ गई कि अब देश राजनीतिक दल नहीं कारपोरेट्स चला रहे हैं। वो अपने हिसाब से चलाते हैं। कारपोरेट अब मजबूरी हो चुका है राजनीतिक दलों का। पैसा उनका साथ और उनकी ताकत, उनकी जो माइट है, वही अब काम आएगी पार्टियों को सत्ता में बने रहने के लिए। यदि आपको कोई न्यूज चैनल तकलीफ देता है तो आपका कारपोरेट मित्र आप रमेश विधुड़ी की भी बात कर दीजिए, वही एथिक्स कमेटी जो आदमी गंदी गाली देता है और चुप है उसको। कोई पार्लियामेंट में अब एथिक्स रहे नहीं, क्या एथिक्स रह गए? सवालों के जवाब जहां नहीं दिए जाते, झूठ जवाब दिए जाते हैं, वो कि पार्लियामेंट का क्या एथिक्स रह गए? कोयला आज ऊर्जा मंत्री ने जो जवाब दिया कोयला स्कैम पे, मिस्टर सिंह साहब ने कल, उन्होंने पूर्ण रूप से अडानी का प्रोटेक्ट किया। लाखों अरबों रुपए का घोटाला है कोल ऊंचे कीमत पे इंपोर्ट करने का। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, 10% हमने हर प्लांट को बोला है कि आप इंपोर्टेड कोयला यूज करिए, लेकिन कोयले की कीमत वेरी होती है, एक जगह से आता है, कई जगह से आता है, बिलिंग किधर से आता है, सारा कोयला मलेशिया से आ रहा है, बिलिंग सिंगापुर ताइवान से हो रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने स्वयं लिखा है अडानी जी को 3,000 करोड़ वापस करने के लिए बोला है कि आपने कोल की कीमतें ज्यादा बता के हमको लूटा है। क्या गुजरात गवर्नमेंट झूठ बोल रही है? यहाँ 35 साल से राम राज्य चल रहा है, क्या ऊर्जा मंत्री इसका जवाब देंगे? इतना बड़ा अब जो रुपए का स्कैम, और आपने लोकसभा में कह दिया कि नहीं ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अडानी जी इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कोई न्यूज चैनल आपके खिलाफ सरकार को सवाल पूछता है, अडानी जी उसको खरीद लेते हैं। यूट्यूब पे कई ऐसे पत्रकार है जो अपने आप को बड़े तिस्मार खान समझते हैं, अडानी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, सुबह से शाम तक मोदी जी को गाली देते रहते हैं, लेकिन अडानी जी का इशू आता थे साफ सूंघ जाता है, और अपने आप को देश के सबसे बड़े, सबसे हाईएस्ट व्यूअर शिप वाले लोग कहते हैं। पत्रकारिता में आनंद जी कौन रह गया है? कुछ लोग डर के बारे में नहीं बोल रहे, तो कुछ लोग थैले के खुलते से ही मुंह बंद हो जाते हैं और बोलते हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हम तो मोदी जी के खिलाफ सवाल उठाते हैं। मोदी जी ने देश का क्या बुरा किया? मोदी जी एक बीजेपी पार्टी के नेता है, उनकी पॉलिसीज चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे बाकी हो, ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है, इस पे सवाल उठाते हैं। लेकिन मोदी जी ने अच्छा काम किया तो उसकी सराहना भी करते हैं। जब इंटरनेशनल कोर्ट में मोदी जी के प्रयासों से भारत का जज वहां जज बन के आता है और इंग्लैंड को हमने हरा दिया, तो मोदी जी की जय जयकार हमने भी की। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी बात होगी उसकी जय जयकार की जाएगी, जो गलत बात होगा उसका सवाल पूछा जाएगा। सरकार में कोई भी हो, यूपीए हो, एनडीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हम पत्रकारों को सरकार को सवाल पूछने का काम है। अडानी जी से दुश्मनी नहीं है, ना अंबानी से दोस्ती है, ना कोई रुइया से दोस्ती है। अडानी जी ने कोयले में स्कैम किया, सामने आया हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, हम पूछ रहे शेल कंपनीज के माए बाप कौन है। सवाल पूछने वालों का आवाज बंद किया जाता है, चाहे फिर राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, और एक मजाक बना के रखा है एथिक्स कमेटी में। क्यों नहीं मजाक होगा? 12 बजे रिपोर्ट पेश होती है, 2 बजे डिस्कशन के लिए आती है, 500 पेज की टोटल रिपोर्ट है, 125 पेज की शायद रिपोर्ट है, और उसके बाद एनेक्चर है सारे। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक इंटरव्यू में सुना था कि वो ऐसा ऐसा नहीं पढ़ते, वो ऊपर से नीचे कागज देखते और फोटोग्राफिक मेमोरी में उनके आ जाता है। क्या वो कला सारे संसद, बीजेपी के सारे सांसदों ने ले ली? हिना गावित हमारे नंदुरबार से आती है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि 2 घंटे में हमने पढ़ ली रिपोर्ट, हमको समझ में आ गई, बहस करेंगे। 2 घंटे में 500 पेज की रिपोर्ट इनको समझ में आती है, लेकिन 9 साल में इस देश की समस्या समझने में असफल रहे हैं। ये इनका IQ है, 9 साल तक अभी तक समझ नहीं पा रहे इस देश की बेरोजगारी समस्या, 9 साल तक ये समझ नहीं पा रहे कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। जिस मध्य प्रदेश में जीत का हुंकार भरते, उस मध्य प्रदेश आज 3rd नंबर पे आत्महत्या, देश के कुल आत्महत्या का 9% अकेले मध्य प्रदेश में आत्महत्या हो रही है। बनारस 30 पॉइंट हो गया था, क्या आपको पता है बनारस अब सुसाइड पॉइंट हो गया है?
आंध्र प्रदेश का एक परिवार पैसे की आर्थिक तंगी के कारण बनारस में आके आत्महत्या करता है, क्योंकि किसी ने कहा होगा बनारस में जाके आत्महत्या करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, और आत्महत्या करने में पति पत्नी और बच्चे जो है वो 20 और 22 साल के हैं। ये देश की वस्तु स्थिति है, अडानी जी का शेयर मार्केट में उछाल वस्तु स्थिति नहीं है सर। ये देश उन 4 आत्महत्या करने वालों का भी था, लेकिन सवाल पूछेगा कौन? जो सवाल पूछेगा उसका मुंह या तो नोटों से बंद किया जाता है, धमकियों से बंद किया जाता है, या एजेंसियों से बंद किया जाता है। सवाल महुआ मोहित्रा का नहीं है। मैं आज भी आनंद जी कहता हूं, और आप मेरे से वरिष्ठ हैं, आप भी मेरे साथ बिल्कुल इस बारे में फर्म होंगे, मुझे विश्वास है इस बात का, इतने साल आपके साथ मैंने काम किया है। यदि महुआ मोहित्रा ने अपना लॉग इन शेयर किया तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन एक प्रोसेस होता है, लॉग इन शेयर करना ये सजा है तो फिर लॉग इन शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई रूल भी नहीं है। ये एथिक्स है, ये आपके एक प्रामाणिकता दिखती है कि मैं लोग लॉग इन शेयर नहीं करेंगे। चलो आपने किया, तो यदि आपके ऊपर कैश फॉर क्वेरी के आरोप है तो कैश दिखनी चाहिए। प्रूफ कहाँ है? 2 पन्ने का एक अफिडेविट नीचे लिखा हुआ है दर्शन हिरानंदानी, और वो प्रूफ पे आप मान गए। कैश फॉर वोट 2005 में जो स्कैम हुआ था, उसमें बीजेपी के 6, बीएसपी के 2, कांग्रेस का 1 और आरजेडी का 1 सांसद निष्कासित हुआ था, लेकिन उसमें कैश भी आई थी, उसमें वीडियो भी थे स्टिंग ऑपरेशन के, वो वीडियो भी जांच एजेंसी ने सही पाए, कैश भी ली गई थी और सवाल भी पूछे गए थे। यहां सवाल दर्शन हिरानंदानी ने डाले, किसके बारे में डाले? अडानी जी के बारे में डाले। अडानी जी के खिलाफ तो ये सवाल दर्शन ने डालने के पहले महुआ मोइत्रा एक्टिव थी। क्या महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी की मदद ली, और कुछ कॉर्पोरेट्स में कुछ और घाला घपला है क्या जानने के लिए? पत्रकार भी ये करते हैं, जब कोई बड़ा स्कैम मिलता है हमको तो उस स्कैम में और कुछ मिलने के लिए हम कॉम्पिटिटर्स के पास जाके पूछते हैं कि आपने भी टेंडर डाला था, आपको क्या इंफॉर्मेशन है इसमें? वो भी 4 चीजें बताता है। जब मैं किसी को जाके कोई स्कैंडल के इंफॉर्मेशन लेता हूँ या कॉम्पिटिटर से जाके और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता हूँ, तो मैं क्या कैश फॉर क्वेरी या स्टोरी लिखने के लिए पैसा ले रहा हूं उससे? पैसा कहाँ है? उसने कहा मैंने दिया और आपने कहा मान लिया, फिर ये भी कहती कि मैंने नहीं लिया, तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? 2.5 मिनट में तय होता है करना क्या है। क्या महुआ मोइत्रा का निष्कर्षण पहले लिख गया था? क्या निर्णय पहले हुआ था और उस निर्णय के लिए पूरा एक बाद में पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया? मैं फिर कहता हूं, महुआ मोइत्रा का आई शेयर करना लॉगिन पासवर्ड, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अनैतिक कार्य था। लेकिन उस अनैतिक कार्य में हीरानंदानी भी उतना ही जिम्मेदार है। ऐसे कई उद्योगपति होंगे जिनके पेरोल पे जो पैसे दे के ये काम करवा रहे होंगे। क्या आईटी डिपार्टमेंट में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लॉगिन चेक किया कि कितनी जगह से वो लॉगिन कर रहा है? यदि एक हुआ तो क्या प्रिकॉशनरी लेवल पे कुछ काम किया है? क्या सरकार इसका जवाब देगी? कई सांसद कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानते आज भी। वो किन किन के थ्रू सवाल दलवाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्या उसमें कुछ खेल हो रहा है, कभी जाना है? कारपोरेट सेक्टर पार्लियामेंट के सवाल है, चोरी दामन का साथ है, कोई पकड़े जाते हैं कोई नहीं पकड़े जाते हैं। ऐसे कई सांसद मित्र हमको भी अप्रोच करते हैं, आनंद जी अरे भाई कुछ बढ़िया सवाल दे दो यार लोकसभा के लिए, तो क्या वो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं? उनको लगता है कि एक अखबार वाले हैं, रोज पढ़ते लिखते रहते हैं, रोज उनको 10 चीजें पता होती हैं, तो क्या सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है? मैं फिर से कहता हूं, महुआ मोइत्रा को कतई बेल आउट नहीं कर रहे, लेकिन फिर दर्शन हीरानंदानी को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये सवाल का जवाब ही सरकार दे।
रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला उतने ही दोषी होते हैं। दरअसल हीरा निंदारी ने और कितने सांसदों को ऐसा फंसाया है, ये भी सामने आना चाहिए। क्या हीरा नंदानी का साम्राज्य मात्र ऐसे ही पॉलिटिशियन के भरोसे खड़ा हो गया क्या, ये भी सवाल है। इसका जवाब मुंबई में बैठे हीरा नंदानी को भी देना होगा। जी, मैं अशोक भाई, मैं एक चीज इस पे, दो चीजों पे एक साथ आ जा रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा वो है। एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मणिपुर शांत नहीं हुआ, फिर 13 लोग, मतलब मणिपुर में 13 लोग, आप जब सरकार कह रही है हमने अकॉर्ड साइन कर दिया, सब कुछ चंगा और क्या क्या अच्छा है, 13 लोग मारे जा रहे हैं। मैं दो चीजों को एक साथ इसलिए कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें मुझे एक चीज ये लगी कि अच्छा हुआ बीजेपी जीत गई। आपने कई बार कहा था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो कहीं अहंकार ना आ जाए, मुझे लगता है वो अहंकार अब बीजेपी में इतना ज्यादा आ गया है, इतना ज्यादा आ गया है ये 3 इलेक्शन जीतने के बाद, और जैसा नैरेटिव बना रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन की स्टोरी खत्म है, ऐसा दिखा रहे हैं कि इट इज दी एंड, ऐसा दिखाया जा रहा है कि इट इज दी एंड। इंडिया गठबंधन की पहली जब मीटिंग बुलाई गई थी पटना में, तब से गोदी चैनल और गोदी मीडिया उसे खत्म करने में लगा हुआ है। मतलब स्थिति ये हो गई कि गलती से नीतीश कुमार ने गाड़ी के बाहर थूक दिया, और जहां थूका वहां राहुल गांधी का पोस्टर हो सामने ऊपर लगा हुआ, तो खबर बनती है कि इंडिया गठबंधन टूट गया, नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के पोस्टर की तरफ देख के थूका। कितनी बार गठबंधन बनने के पहले से, पटना की मीटिंग से लेकर आज तक, कितनी बार नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, कितनी बार शरद पवार ने इंडिया गठबंधन छोड़ा, ये लगातार नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन आज जिस हिसाब से सारे लोग महुआ मोइत्रा के खिल पीछे खड़े हो गए, पूरा इंडिया गठबंधन, वो इस बात का द्योतक है कि ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस हार गई, कांग्रेस का अहंकार कम हो गया, बार्गेनिंग पावर कम हो गया। ये जो कांग्रेस के उल्लू जुल्लू जो नेता थे इधर उधर वाले दाएं बाएं, ये जो सोच रहे थे कि हम है तो सब है, अब इंडिया गठबंधन में इनको बताना होगा। जो रीजनल क्षेत्र है, शरद पवार तो लड़ रहे हैं, ममता तो लड़ रही है, नीतीश तो लड़ रहे हैं, और लगातार बीजेपी को कॉर्नर कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल छोड़ा तो क्या हुआ? इन 3 राज्यों में क्यों नहीं बीजेपी और कांग्रेस 1-2-1 थी? क्या हुआ कांग्रेस को? क्या कांग्रेस को अति आत्मविश्वास खा गया? क्या कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था? क्या कांग्रेस बीजेपी से चुनाव लड़ना सीखेगी कि आखिरी दिन तक पूरी ताकत के साथ लड़े रहेंगे? क्या कांग्रेस के नेता आपस में कर करेंगे? या फिर मैं और जाके आगे जाके कहूं, जो कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी जो दबी जुबान में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं फोन करके, उनके पास तो नाराजगी व्यक्त करने की जगह भी नहीं होती। तो हमारे जैसे पत्रकार है जहां बोल देते कि क्या करें अशोक भाई, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्या भूपेश बघेल, कमलनाथ और अशोक गहलोत, इन तीनों के बीच में अड़ानी कड़ी है? जी, अशोक भाई कारण है। अशोक भाई, मैं चलते चलते एक ब्रीफली इसलिए कहूंगा कि वो शायद हम लोगों का दायित्व है, मणिपुर को भूलना नहीं है और छोड़ना नहीं है। ये मणिपुर में जो हो रहा है, सरकार को शर्म नहीं आ रही? शर्म, लिहाज, हया, नैतिकता, ये सारे शब्द 2019 को चुनाव जीतने के बाद लॉकअप में बंद कर दिए गए हैं, और उन्हें बोला गया है कि हम चाहते कि 20-25 साल के लिए आप बाहर नहीं निकलोगे। मणिपुर की बात आप और हम कहते हैं क्योंकि आज भी मणिपुर में मैं और मेरे भाई और मेरी बहनें रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। भारत सरकार के लिए मणिपुर राज्य है भी कि नहीं, ये भी मुझे डाउट आने लगा। मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं करते, यहां तक कि मिजोरम के चुनाव में जाते तक नहीं नेता, क्योंकि मणिपुर पे बोलना पड़ेगा।
मणिपुर जल रहा है, ये इस देश के सत्ताधीशों का अरोगंस है। आप बोल रहे हो ना मणिपुर जल रहा है, इसको बुझाओ तो हम जलने देंगे, आपको जो करना सो कर लो, ये अरोगंस है। क्योंकि मणिपुर से लोकसभा सीट इतनी नहीं है कि जिसके भरोसे कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो। मणिपुर में एक बार सरकार बन गई, अगले 5 साल के बाद फिर चलेंगे, तब तक 5 साल में जितना जलना है जलने दीजिए। और यदि कहीं बात करो तो अंधभक्त इस मुद्दे पे आते हैं, अरे छोड़ो यार, देश चांद पे जा रहा है, G20 में इतना अपने अच्छा किया, और फालतू की रामलला का मंदिर बन रहा है मणिपुर, मणिपुर कर रहे हैं तब से, इनको सालों कुछ दिखता ही नहीं अच्छा, क्या करें। ये हालात। अशोक भाई, धन्यवाद आपको कि आपने कम से कम मणिपुर का जिक्र किया। नहीं, थैंक यू अशोक भाई। और मैं, हम आप कभी भी रात पे सोते हैं तो एक गिल्ट के साथ सोते हैं जब मणिपुर की कोई खबर आती है, और लगता है कि हम लोगों से भी एक, मतलब एक हम गिल्ट के साथ सोते हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं। इसकी चर्चा कहाँ कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय मणिपुर है, किसी भी इंसान, किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी ऐसे तंत्र के लिए जहाँ इंसानियत बसती हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद जल्दी से धन्यवाद पूरी तरह से ठीक हो, अगले हफ्ते फिर धन्यवाद मुलाकात होगी। थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद।